नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप ग्रूस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अब तक बहुत आपने ऑडियंस बना ली, अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये कैसे बना सकते हैं, क्या होता है, सुना जरूर होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या फिर आप फेसबुक एड सीख रहे हैं। तो ये समस्या का समाधान आज इस वीडियो में आपका हो जाएगा, कस्टम ऑडियंस बनानी कैसे है और कैसे आप इसको लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों ने हमसे इसके बारे में बहुत कुछ पूछा भी है, तो लोगों को पता नहीं होता कस्टम कैसे बना सकते हैं। आज आपको इस पूरी इस वीडियो में समझ में आ जाए कस्टम कैसे बनानी, अपलोड कैसे करनी है और आप कैसे अपने उस एड के साथ अपना कंप्लीट जो ऑडियंस आप डाल रहे हैं अपनी कस्टम ऑडियंस, उसका कैसे अपना कंप्लीशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेसबुक पर लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन में करने के बाद अपना ऐड मैनेजर में आ जाइए। ऐड मैनेजर अपना जरूर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका अकाउंट है आप उसको जरूर सेलेक्ट कर लेना जिसमें भी आप अपनी कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप सपोज करिए, जो भी आप कैंपेन चला रहे हैं, आप ट्रैफिक चला रहे हैं, लीड जनरेशन चला रहे हैं, कन्वर्जन चला रहे हैं, जो भी आप अपना कैंपेन चला रहे हैं, सपोज करो मैं आप इसी कैंपेन में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और मैं अपने कैंपेन में आ गया। मेरा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक, मैं जाता हूँ यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑन कर लिया। नहीं भी करेंगे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसके बारे में मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आपके कैसे काम आ सकता है और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्या रोल होता है, पूरा जाके देख सकते हैं। पूरी फेसबुक एड सीरीज की लेटेस्ट 2022 की लेटेस्ट सीरीज डाली हुई चैनल पे, गाइस पढ़ लेंगे, आपके बहुत काम आएगी। आप उसको समझिए, अपनी कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है, फ्रीलांस काम करते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, आपके ही बहुत काम आएगी, बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपके काम आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैं अपने ऐड सेट के अंदर आ जाता हूँ। दोस्तों, सबसे ऊपर वाला होता है कैंपेन, उसके नीचे होता है ऐड सेट, उसके नीचे होता है ऐड। ऐड सेट में आने के बाद अपना यहाँ पे ऐड सेट का आप नेम देंगे, जो भी एक प्रोस्पेक्टिव होता है ऐड कैसे चलाना है। मैंने बीसीओ ऐड सिखा दिए अब तक आपको, कौन कौन से आप कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन अभी मैं बस आपको कस्टम ऑडियंस ऐड करनी सिखा रहा हूँ, कैसे आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस के लिए आपको यहाँ जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, कन्वर्जन लोकेशन, आप इसको वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर, व्हाट्सअप, हो सकता है व्हाट्सअप देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आपका बजट एंड शेड्यूल। उसके बाद आपकी आ जाती है ऑडियंस। ऑडियंस में आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए गाइस आपको ऑडियंस में क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट टू ऑप्शंस ओवर हेयर। फर्स्ट वन इज कस्टम ऑडियंस, सेकंड वन इज लुक अलाइक ऑडियंस। सो टुडे वी आर जस्ट टेलिंग यू द ऑल अबाउट कस्टम ऑडियंस, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन कस्टम ऑडियंस यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस रिगार्ड योर सोर्सेज एंड ऑल अबाउट लाइक मेटा सोर्सेज। इन योर सोर्सेज यू विल गेट एन ऑप्शन वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी। माफ़ कीजिए, मैं हिंदी में आ जाता हूँ, हिंदी में वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मेटा सोर्सेज में आपको वीडियो, लीड फॉर्म, इंस्टेंट, इस तरीके सारी चीज़ें मिल जाएंगे। लाइक आपका मेटा सोर्स मतलब मेजर सोर्स आपका क्या होने वाला है, आप चाहते हैं कोई लीड फॉर्म से आप डाटा उठाना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो से किसी से, या शॉपिंग से कहीं से, या फेसबुक पेज से, या इवेंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट, यह होगा आपका मेटा सोर्स। लेकिन वेन वी टॉक अबाउट योर सोर्सेज, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का, ऐप एक्टिविटी, यानी वेबसाइट से आप कोई डाटा उठाना चाहते हैं, आपके पास 20 सपोज करो आपने कहीं से डाटा लिया है, आपको वही डाटा मिला है, 10,000-20,000 नंबर है या फिर 1,000-2,000 नंबर है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस डिमांड। तो आप वेबसाइट्स के यूजर्स को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कहीं से डाटा आया 20-30,000 का कस्टमर लिस्ट का, वो करना चाहते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग पे ऐप पे जिन बंदों ने एक्टिविटीज़ करी है, आपने जिन बंदों ने रजिस्ट्रेशन करा है, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, या फिर कोई ऑफलाइन एक्टिविटी पर अगर आपके स्टोर विजिट या कोई भी ऑफलाइन एक्टिविटी के थ्रू आपको डाटा मिला है, तो आप यहाँ से करना चाहते हैं। सो टुडे वी आर टेलिंग यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी वाला कि कस्टमर लिस्ट, हमारे को कहीं से भाई डाटा हमारे पास आया है 20-30,000 का, हम उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, हम कैसे अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। फर्स्ट हॉल आपको यहां पे कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको पूरा बताएगा कि आपको अपनी कस्टमर लिस्ट बनानी कैसे है। कस्टमर लिस्ट मतलब जो भी आप एक्सेल फाइल बनाएंगे उसमें नंबर के अलावा आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए, और वो जो एक्सेल फाइल होगी उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको कह रहा है कि योर कस्टमर लिस्ट इज़ अ CSV और TXT फाइल होनी चाहिए, और आपकी जो फाइल होगी उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए, सारी हैं तो फैबुलस, बहुत अच्छा काम किया है आपने, और उनमें से भी एक चीज़ सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना एक तो होनी चाहिए, ये भी हो सकती हैं अच्छा फ़ायदा करेंगी आपको, और ये हो तो बहुत ही बढ़िया, लुक लाइक के बनाने काम आएगा। ये कह रहा है इंक्लूड एटलीस्ट वन मेन आइडेंटिफायर, ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल एडवर्टाइज़र आईडी, फेसबुक ऐप यूज़र आईडी,
फेसबुक पेज यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, इनमें से कोई एक भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा, सारे हैं बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि इंक्लूड मोर आइडेंटिफायर्स, अगर आप ये और आइडेंटिफायर्स को इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये बोलता है सिटी स्टेट प्रोविनेंस कंट्री जिपल पोस्टल कोड, मींस आपका जो भी हम दिल्ली में बोलते हैं कि आपका भाई अपना एक पिन कोड क्या है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टल कोड ही उसकी फुल फॉर्म है, हम बोलते हैं पिन कोड आपका क्या है। तो पिन कोड बताने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अगर है तो बहुत अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ और जेंडर और एज, इस चीज़ों के हिसाब से। अब ये जो कस्टमर वैल्यू है ना, ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको मैं वो चीज़ बताऊँगा कि जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और जो भाई लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें मिल गए नंबर, हमें उस तरीके से टारगेट करना है, उन भाई लोगों को भी बताऊंगा कैसे वो चीज़ें अपनी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से पूछता है कि क्या आपके पास आपने अपनी लिस्ट के अंदर कस्टमर वैल्यू को इंक्लूड किया है। जिन भाई लोगों के पास केवल नंबर है, ईमेल है, ईमेल है और कोई आइडिया, मतलब ईमेल है, नेम है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं और उनके पास कस्टमर वैल्यू नहीं है, व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट क्लिक ऑन नो, और अगर जिनके पास है वो करेंगे यस यस। अब ये भी जान लेते हैं कस्टमर वैल्यू होती क्या है। कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी यूज़र है, जो भी यहाँ पे कस्टमर है, उसने कितनी देर आपके बिजनेस पे अपना टाइम स्पेंड किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर वैल्यू इज़ अ वैल्यू एसोसिएटेड विद योर कस्टमर बेस्ड ऑन हाउ मच एंड हाउ ऑफन दे स्पेंड टूवर्ड्स योर बिजनेस, आपके बिजनेस पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। एडिंग कस्टमर वैल्यू एज अ कॉलम इन योर कस्टमर लिस्ट allow you to create a value based look like later to find people similar to your most valuable customer. कस्टमर वैल्यू यहाँ पे आप ऐड करते हैं कि भैया कितनी देर टाइम स्पेंड किया है, आप कोई नंबर्स डालना चाहें या फिर आप कोई एक कॉलम बना के उसमें ऐड ऑन करना चाहें, आपको मैं दिखाऊंगा अभी कस्टमर वैल्यू क्या होती है, कैसे बनती है, इस तरीके देख सकते हैं। अभी मैं कह देता हूँ येस आई हैव, मेरे पास एक लिस्ट है, जिन भाई लोगों के पास नहीं है उनका भी मैं ट्यूटोरियल बताऊंगा। नो पे क्लिक करने बाद उनको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास है वो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी c.csv फाइल को अपलोड करना है। मेरे पास जो फाइल है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ये अपलोड कर दी, और यहाँ पे जो जो नाम मैंने सेलेक्ट कर रखे थे मैं उसके नाम से, मुझे आ रहा है मैं वैल्यू के नाम से कर देता हूँ, और यहाँ भी आप जो भी नाम देना चाहें यहाँ पे आसानी से दोस्तों दे सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टॉप ग्रूस स्टूडेंट्स या टॉप ग्रूस कलीग डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट जैसे मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, डालना चाहिए, इट्स योर चॉइस, नहीं डालेंगे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे से कहता है मैप आइडेंटिफायर्स 18 कॉलम्स आर मैप्ड एंड विल बी अपलोडेड, प्लीज करेक्ट द एरर्स बिफोर कंटिन्यूइंग। तो ये कह रहा है कि आपने 18 चीज़ें को पूरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कस्टमर वैल्यू आपने डाली है, ईमेल आपने डाले हैं, फ़ोन नंबर आपने डाले हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग आपने आईडी डाली है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने डाले हैं, जिप पोस्टल कोड आपने डाले हैं, सिटी आपने डाली है, स्टेट डाला है, कंट्री डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाला है, ईयर ऑफ बर्थ डाला है, जेंडर डाला है, एज डाला है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया होगा, अब एक्शन नीडेड में कह रहा है कुछ चेंजेस कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कह रहा है आप इसको अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, इसको वरना चेंजेस करके आप यहाँ से चीज़ें सेट कर सकते हैं, डू नॉट अपलोड, आई सेट जस्ट डू नॉट अपलोड, मैंने चीज़ें यहाँ पे कह दी। कहने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे आपका ये देखिए कस्टमर लिस्ट इज हैज डन अपलोडेड, आपकी अपलोड हो गई है। अब उसके नीचे आपको नेक्स्ट स्टेप्स में देता है क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्रिएट एन ऐड आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस। सो अभी मैं आपको जैसे इस पर डन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी यहाँ पे टॉप ग्रूस क्लिक के नाम से यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ क्रिएट एन कस्टम ऑडियंस उन भाई लोगों को भी बता दूँ जिन लोगों के पास ओनली नंबर्स हैं वो कैसे टारगेट कर सकते हैं। सपोज करो मेरी कस्टम ऑडियंस ये है, कस्टमर लिस्ट पर जाता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ नो, मेरे पास कस्टमर वैल्यू नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने नो पे क्लिक करा, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा, और यहाँ पे मेरी जो .csv वाली फाइल है उसको दोस्तों मैं कर दूंगा अपलोड। ये मेरी फाइल है, मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया, यहाँ पे उसका नाम आ गया जो भी मेरी ऑडियंस का नाम है,
और मेरे पास 20,000 डाटा था एटलीस्ट 11091 दिल्ली किस लोकेशन के नंबर्स के 20,000 लोगों के नंबर हैं 1996 के भी, मतलब इस तरीके से मेरे पास लोगों के बहुत सारे 50,000 लोगों का नंबर है। तो मैंने अलग अलग लोकेशन के हिसाब से मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मैंने इसको नेक्स्ट किया तो ये कह रहा है कि फ़ोन नंबर मुझे आपका मिला है, लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है कि आप अगर ये गाइडलाइंस मुझे दे रहा है अगर आप ये चेंजेस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे अपना कंट्री जिप कोड, जैसे नंबर्स हैं नंबर के आगे आप कंट्री कोड लगा, जैसे इंडिया का 9+91 होता है अगर आप लगा देंगे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक्शन नीडेड 0, कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाए हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे इम्पोर्ट पर क्लिक करिए। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका जो आपकी नंबर्स की लिस्ट है वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। देखिए इम्पोर्ट होने के बाद ये कह रहा है 19,999 रोज अपलोडेड, जैसा कि आपको बता रहा हूँ 20,000 का डाटा है, उसके बाद मैंने कंफर्मेशन दे दी एंड इट्स डन। ठीक है जी, ये देखिए वो वाला भी और ये वाला भी दोनों चीज़ मेरी अपलोड हो गई हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपनी लोकेशंस आप अपनी सेट कर देंगे। अगर आप पिन के हिसाब से कर रहे हैं 11091 यहाँ मैं डाल दूंगा, यहाँ पे मैं एडिट पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप पीपल लिविंग इन रिसेंट इन दिस लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 110091, ये मैंने जिप कोड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ये कह रहा है मयूर विहार के आसपास जितना भी जो एरिया है इसको उसने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मेरा ऐड वहीं ही चलेगा जो मेरा जिप कोड के हिसाब से भी आप यहाँ पे चीज़ डाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई स्पेसिफिक ऐड अगर आप चाहते हैं मेरे को समझ जाना, आप कोई चाहते हैं कोई आपकी क्वेरी को निपटा सकूं, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई, कस्टम ऑडियंस रिलेटेड समझ में आ गई। दोस्तों इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, इस तरह का कंटेंट शायद ही रेयरली आपको YouTube पे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।